गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास आने वाले 5 इंट्राडे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से साथ में। तो निफ्टी को अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इसने इस वाले अपने सपोर्ट को जो है काफी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया था, पर अपने ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे आकर रुक हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। काफी अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे इसका। इसके पास आने के बाद इसने यहाँ पे दो डोजियां बनाई, मतलब रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल दिखाने के लिए। यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया 2 दिन और उसके बाद यह अब ट्रेंड में इसने जाना शुरू करा है। पर अब जो हमारा इसका मेन सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा था वो अब इसके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस भी फेस हो सकता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसमें काफी अच्छे से फेस कर रहा है। तो अब हम लोग निफ्टी को देखने वाले हैं कल ट्रेडिंग सेशन के लिए 30 मिनट्स के चार्ट में। तो 30 मिनट्स के चार्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी जो अपनी काफी अच्छी ट्रेंड लाइन को फेस करता हुआ है, जिसको आप लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच करा था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग के साथ में कंटिन्यू यहाँ से काफी बड़ा डाउनफॉल दिया था, और फोर्थ टाइम सेम डे और फिफ्थ टाइम भी इसी दिन में यहाँ पे आने के बाद इसने 3-4 कैंडल आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसी के पास में आके इसने कंटिन्यूसली क्लोजिंग दी है इसने 3 कैंडल के साथ में। तो जैसे हमें इस वाले ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, साथ ही साथ में हमें इस वाले जोन का ब्रेकआउट मिल जाता है, तो इसमें हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं निफ्टी में, जिसके बाद आप लोगों को अच्छा मोमेंटम दे सकता है अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए हम लोग जब यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, जब यहाँ से निफ्टी जो है रिवर्सल लेगा, अगर बाई चांस निफ्टी ने इस वाले जोन से यहाँ से रिवर्सल पैटर्न आप लोगों को शो करा, तो हम लोगों को अपना ट्रेड जो है इस वाले जोन के ब्रेकआउट पे लेना है। जब इस वाले जोन का हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा डाउनसाइड, तो हमें निफ्टी यहाँ से डाउनसाइड का अच्छा मूव दिखा सकता है, पर मेन फोकस हमारा रहने वाला अपसाइड के लिए, क्योंकि अपसाइड में ट्रेंड लाइन भी का भी रेजिस्टेंस आ रहा है और साथ ही साथ में जोन का भी। तो जैसे हमें दोनों का अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाएगा तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग साइड में जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने डेली चार्ट में अपने जोन के पास में आने का, जिससे हमने रिवर्सल शो कर दिया था। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, इसने यहाँ पे आने के बाद अपना एक अच्छा रिवर्सल शो करा था, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट हुआ था और अब यहीं से ही अब ट्रेंड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो 30 मिनट्स के चार्ट में हम लोग कल ट्रेडिंग सेशन के लिए देख लेते हैं, इसमें एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, जिसका इसने ब्रेकआउट जो है यहाँ पे दे दिया ट्रेंड लाइन का, पर अब इसका काफी अच्छा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे फेस करता है वहां से काफी बड़ा आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिलता है। फिर सेम डे इसने निफ्टी की तरह यहाँ पे काफी बार इसको टेस्ट करा कंटिन्यूसली। तो जैसे हमें इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका, तो जैसे हमें इस वाले जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद ये इंटरडे में आप लोगों को अच्छा मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। बाइंग साइड के लिए हमारा इसमें मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का इसने अपसाइड के लिए ब्रेकआउट किया, तो हमारा मेन फोकस भी इसमें अपसाइड के लिए रहने वाला है। पर अगर आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वाले जोन के ब्रेकडाउन डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। अगर ये बैंक निफ्टी जो है इस वाले रेजिस्टेंस को फेस करके अपने नीचे वाले जोन का ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग इसमें सेल साइड के लिए फोकस करेंगे, वरना हमारा मेन फोकस जो है बैंक निफ्टी में भी अपसाइड के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसने अपनी जो है ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट दिया और इसका अब जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ से काफी बढ़िया इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगर आप लोग देखेंगे काफी अच्छा इसका जोन है। मैं आप लोगों को इसकी लेवल भी दिखा देता हूँ, इसकी लेवल है 33,750 की। इस लेवल के ऊपर आप लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद ये आप लोगों को अच्छा मूव दे सकता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले इंट्राडे स्टॉक्स की। तो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स आने वाला है हैवेल्स, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में जा रहा है, कंटिन्यूसली अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को फेस करता हुआ जा रहा था, पर अब इसने इसका फाइनली ब्रेकआउट दे दिया और अपने इस वाले रेजिस्टेंस पे काफी बार ये इसको फेस करता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही हमें इस वाले जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इसने अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा मेन फोकस इसमें भी अपसाइड के लिए रहने वाला है, जैसे मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी बताया था। तो इसमें हम लोग इस वाले जोन के ब्रेकआउट के ऊपर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, सेल साइड के लिए इसमें हम लोग अवॉइड करेंगे। तो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक्स आने वाला है डिक्सन, जिसमें इस डाउन ट्रेंड ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, जो आप लोग देखेंगे काफी अच्छी सी ट्रेंडलाइन थी, कंटिन्यूसली इसको काफी बार फेस करता हुआ आ रहा था, तो अब इसकी ये जो ट्रेंडलाइन थी इसकी वीक हो चुकी थी, फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। जैसे हमें इस वाले जोन का ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड, तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इसकी मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ, 3,350 के ऊपर हम लोग इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद आप लोगों को इंट्राडे में अच्छा मूव दे सकता है। सेल साइड के लिए इसमें रिस्की प्ले ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप लोग सेफ प्लेयर हैं तो इसको अवॉइड करेगा, वरना अगर रिस्की प्लेयर है तो यहाँ से अगर कोई यहाँ से रिवर्सल पैटर्न आप लोगों को शो करता है, तो इसमें आप लोग डाउन साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर जो है वही लोग डाउन साइड के लिए इसमें ट्रेड करेंगे, जो सेफ प्लेयर है वो लोग
बाइंग साइड में ही सिर्फ ट्रेड करने वाला है, सेल साइड के लिए वो लोग अवॉइड करेंगे। तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक्स होने वाला है टाटा केमिकल, जिसमें भी इस ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमें इस वाइज जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इसकी लेवल जो है वो है 811 की, जिसके ऊपर आप लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और सेल साइड के लिए इसको भी हम लोग सेम अवॉइड करेंगे। वरना अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वाले लेवल के नीचे इसमें डाउन साइड के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक होने वाला है IRCTC, जिसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली चार्ट जो है स्क्वीज होता जा रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया था, चार्ट जो है कंटिन्यूअसली स्क्वीज होता जा रहा है। तो जैसे हमें इस वाले जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से जोन का, तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और इन केस यहाँ से डाउन साइड आकर के साइड ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो इसमें हम लोग अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। काफी अच्छा चार्ट इसका स्क्वीज हो रहा है, हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में और स्क्वीज हो, क्योंकि IRCTC जैसा स्टॉक जो है कई बार कंसोलिडेट कर जाता है। तो अगर ये कल के दिन भी कंसोलिडेट कर जाता है तो हम लोग परसों के लिए भी इसको रखेंगे अपनी लिस्ट में। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक होने वाला है बंधन बैंक, जिसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बनी है, जिसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्ट जो है कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ अपसाइड में ही जा रहा है। तो जैसे हमें इस वाइज जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद इंट्राडे में आप लोगों को अच्छा मूव दे सकता है, और इन केस ही यहाँ से आप लोगों को डाउन साइड मूव देने के बाद इस वाले ट्रेंड का ब्रेकडाउन देता है तो इसमें हम लोग अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। पर याद रखिएगा, कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आने के बाद अगर इस वाले ट्रेंड का ब्रेकडाउन दे तो हम लोग अवॉइड करेंगे। ये अगर कंटिन्यूअसली नीचे आता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट देने के बाद ब्रेकडाउन दे तो इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना हम लोग इसको अवॉइड करेंगे अगर ये कंटिन्यूअसली फॉल देने के बाद इस वाले ट्रेंड का ब्रेकडाउन देता तो इसको हम लोग अवॉइड करने वाले हैं अपनी लिस्ट के लिए। तो ये थे हमारे कल ट्रेडिंग सेशन के लिए 5 इंट्राडे स्टॉक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमने प्रीवियसली दिए हुए 4 इंट्राडे स्टॉक्स की। तो उसमें हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स था SCLTech, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी, इसका भी चार्ट आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअसली स्क्वीज हो रहा था। तो मैंने आप लोग कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं काफी बढ़िया इसने अप मूव दिया है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसने कुछ ही देर में आप लोगों को 1.35% रखना, इतना काफी बड़ा मूव आप लोगों को दे दिया है। तो इसमें अगर किसी ने ट्रेड करा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक था TVS मोटर, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसका जो रेजिस्टेंस था काफी बार फेस हो चुका था, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था वीक हो चुका है, तो इसका जब ब्रेकआउट मिलेगा हमें काफी बड़ा इंट्राडे मूव मिल सकता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने इसका ब्रेकआउट दिया, काफी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो आप लोगों को कुछ ही देर में यहाँ पे 3% से भी ज्यादा का आप लोगों को इंट्राडे में मूव कैप्चर हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, आप लोगों को 3.5% का काफी बड़ा इंट्राडे का मूव कैप्चर हुआ, और ये आप लोगों को सडन हुआ है, कहीं से कहीं तक भी आप लोगों का ट्रेलिंग एसएल अगर आप लोग अच्छे से मेंटेन करते होंगे तो कहीं भी एसएल हिट नहीं हुआ है। काफी बड़ा और सडन मूव आप लोगों को मिला है, काफी बढ़िया इसमें प्रॉफिट भी कैप्चर हुआ होगा। और अगर इनकेस आप लोगों ने कैंडल क्लोजिंग का त्याग लिया होगा तो जिन लोगों ने कैंडल क्लोजिंग पे भी लिया होगा उनके लिए भी काफी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा ये स्टॉक। 2.2% से ज्यादा इसने बढ़िया मूव दिया इस वाली कैंडल क्लोजिंग के बाद भी। तो आई होप आप लोगों ने इसमें ट्रेड करा और काफी बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर करा, और अगर करा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक था HDFC बैंक, जिसमें मैंने आप लोग कहा था सॉरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे आ चुका था, तो मैंने आप लोग कहा था इस वाले जोन के ब्रेकडाउन पे आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग जिसने इस वाले जोन के इसमें ब्रेकडाउन नहीं दिया तो हमारे इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना, और अपसाइड के लिए हमने इसमें अवॉइड करा था तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना इसमें। और हमारा फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक जो था प्रीवियसली दिया हुआ वो था Havells, जो हमारा कल ट्रेडिंग सेशन के लिए भी है, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जब हमें इस वाइज जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसने इस वाइज जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया, तभी हम लोगों ने अब इसको कल ही ट्रेडिंग सेशन के लिए भी रखा है। तो हमारे चार दिए हुए इंट्राडे स्टॉक्स में से दो में हमारा ट्रेड आया और दो में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। जिन दोनों में हमारा ट्रेड आया उन दोनों में हम लोग काफी ह्यूज प्रॉफिटेबल आए। तो अगर आप लोगों ने उसमें ट्रेड कराओ और अगर उसमें प्रॉफिट भी कैप्चर कराओ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और आई होप आप लोगों को ये स्टॉक पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।